हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुल काजी का सीजन 3 का एपिसोड 87, आइए देखते हैं। मुझे बताओ एकतरीना, किसके तीर अंदाजों ने वैसी उसकी मदद की? अमीर सादत टीम। वो सरजू का अमीर है, तुम जानती हो, वो ऐसा क्यों करेगा? बिल्कुल कर सकता है निकोलस। सुल्तान और अर्तुरुल के खिलाफ अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो सिर्फ वही है। उससे हमने मदद ना मांगी तो ये किला हमारा नहीं रहेगा। ये किला हमसे कोई नहीं छीन सकता। वैसीलियस आएगा। अर्तुरुल उसे अब तक मार चुका होगा निकोलस। जब तक तुम्हारे सिपाही उसकी मदद को पहुंचेंगे, अर्तुरुल अपना काम तमाम कर चुका। मैंने बोला ये भी कम नहीं है। तुर्क ये किला फतह कर लेंगे। वो किले की दीवारें पार नहीं कर सकते। किले में दाखला नामुमकिन है उनका। हम वहां तादाद बढ़ा देंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। क्या दाद के बजाय कमांडर की हिम्मत अमली अहम है। तुम इतने यकीन के साथ ऐसा कैसे कह रही हो? इनसे तुम्हारा सामना भी हुआ है निकोलस। मैंने इनके दरमियान बहुत साल गुजारे हैं। वो क्या सोचते हैं मालूम है मुझे। बाबा की आखिरी निशानी तुर्कों के कब्जे में नहीं जाने दूंगी मैं। कैसे? अमीर सादतीन की मदद से अर्तुरुल को मारना होगा। यही रास्ता है निकोलस। सलजूक का अहम वजीर अमीर सादतीन अर्तुरुल को मारने में हमारी मदद क्यों करेगा? अर्तुरुल की फतूहत अमीर सादतीन के असाब पर तारी है। वो किसी भी हद तक जा सकता है। तीरंदाजों को भेजना उसके अजायकिया काफी करता है। उसने उराल का भी साथ दिया था और अब मेरा साथ भी देगा। वापस आएगा। और अगर नहीं आया? अगर वो नहीं आया निकोलस तो किले में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। अरे मर गया, जानू वासिल हो गया, खून का बदला पूरा हो गया। अलियार साहब का दुआन का मेरे भाई दुआन समेत शुहदा का बदला ले लिया हमने। अल्लाह तुम्हारी रूह को राहत दे दुआन। दुआन भाई है, तुम्हें एक अलियार भाई की रूह को सुकून मिले। वैसीलियस की लाश को सराय लेकर जाएंगे। सामसा तेजी से चले जाओ, उनसे कहना कि उनके जमींदार की लाश सराय में मौजूद है। जैसा आपका हुक्म भाई। इस जालिम का अंजाम देख के सबको सुकून नसीब होगा। ये फतह हमारी नहीं है, अल्लाह की है सामसा। जब तक उसके रास्ते पर चलेंगे कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे पाएगा। फुतुहात पर हम मित्राएंगे, मकसद हयात को भुला देंगे, हवस करेंगे माले गनीमत की और आरजू करेंगे शान शौकत की। तो याद रखना, उसी दिन और उसी पर अल्लाह हमें भी जालिमों में शुमार करेगा। मेरी ये नसीहत हमेशा याद रखना बहादुर, नहीं मेरे सिवा कुछ हो सकता है। तुम सबके अमल नियतों पर मुनहसर है तुम्हारी। हमारी मंजिल एक है, रास्ता मुख्तलिफ हो सकता है। अर्तुरुल भाई और उनके सिपाहियों की खबर नहीं आई कोई। मुझे डर है कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। अल्लाह ना करे। ऐसी बातें ना सोचे हफ्सा खातून, बिल्कुल परेशान ना हुआ, अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह। बमसी,
जब भी किसी मुहिम पे जाते हैं साथ ही चला गया है। इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। जंजू की बीवी को बाहिम्मत रहना पड़ता है, आप सब मजबूत रहना पड़ता है। सारी मुश्किलात और मसाइब बस एक पुश डालना पड़ते हैं ताकि जब तुम्हारा शोहर वापस आए तो तुम खुश दिली से उसका इस्तकबाल करो। क्या हमेशा ऐसे ही होता रहेगा हलीमा सुल्तान? हिजर के बाद विसाल ही हमारा मुकद्दर है हफ्सा, इसलिए हमें हर हाल में सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बानू जीजेक हफ्सा फौरन दाई को जाके खबर करो, कहो कि खैमे में पहुंचे। बदला सुल्तान मुअज्जम, मेरे जैसे सादा इंसान चुपे से एक दल नहीं करते बल्कि सर पे कफन बांधे हरदम आपके लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। सराय अतुल साहब का और आप उनके मेहमान, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। इब्न अरबी जैसे नेक इंसान के शर से तुम मुझे महफूज रखना चाहते थे सादतिन, या फिर सल्तनत के अमीरों से या मुशीरों से ज्यादा अहमियत के हामिल मेरे नाम से करदा सरदार आजम अतुल साहब से? जवाब दो मुझे, क्या किया ये? अगर इतने डरावी तशरीफ ना लाते और मेरा इलाज ना कर पाते तो क्या होता जानते हो ना? वही तो चाहिए था उसको। तो सरदारान आते और अपने जोरे बाजू पर अतुल साहब को यहाँ से निकाल कर ले जाते क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अतुल साहब पर भरोसा करते हैं और मैं इस दुनिया से जा चुका होता। अगर मैं मर जाता सादती तो ना ही बादशाह और ना ही सलीबी हमारी सल्तनत को इतना नुकसान। तुमने गलती की है सादतीन। सुल्तान मैं तुम्हारी गलती से ना सिर्फ मेरी जान खतरे में थी बल्कि सरजमीन पर उम्मत मुस्लिमा के खून की नदियां बह सकती थी। मैं हमेशा से तुम्हारी हिकमत और खिदमत का मुतरफ रहा लेकिन तुमने इस नाजुक तरीन वक्त में मुझे रोक दिया था। सही है। ये इंतजार मुझे मार देगा वालिद। यहां बैठो, मेरे पास बैठो मेरी बच्ची। एक वक्त था जब जंग से बाबा की वापसी का इंतजार किया करती थी और अब अपने बेटों का इंतजार करती हूं। बस एक ही चीज में मुझे पनाह मिली और वो सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। दुनिया क्या कम है जो उस पर अभी है अमीर सादतीन भी। अब वो क्या चाहता है? उन्हें जब मैंने बताया कि मैं उनसे निकाह नहीं कर सकती तो कहने लगे कि वो कभी मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। उनका लहजा उनके गुस्से का इजहार कर रहा था और आखिर में सबके लिए सरदार अर्तुरुल को उसका क्या वास्ता है? सबसे आखिर उनका ये मानना है कि जावदार की सरबराही के लिए मुझे अर्तुरुल साहब ने हिम्मत दी है और यही वजह है कि मैंने निकाह से भी इनकार कर दिया। जान बचाए वो बदबख्त मलून इंसान। अंदर आ सकता हूँ वालिदा? आ जाओ दुमदार, आ जाओ बेटी। तुम्हें साथ सराय वापस आने बस पहुंच नहीं वाले। यार यार तेरा बहुत शुक्र है। मुझे महसूस हो रहा है कि आप मेरी की गई तदाबीर से मुतमईन नहीं है। मुझे भी होश नहीं था जब मैंने आपको तड़पते हुए देखा था। वो मंजर
मैं भुला नहीं सकता, लेकिन आप जो भी सजा देंगे, मैंने तुम पर इत्मीनान किया और तुम्हें मर्तबा दिया, लेकिन तुम इस खत्ते के तुर्क सरदारान का इत्मीनान हासिल करने में नाकाम नजर आते हो। सुल्तान, अगर आपको जरा भी शक है कि मैं अपने फराइज ठीक से अदा नहीं कर रहा, तो मुझे फौरी बरतरफ कर दे। कम से कम जब तक आपको जहर देने वाला खत्तार अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं बहुशी अपनी ये जान आपकी और सल्तनत की बगा के लिए पेश करता हूं। मौजूद गद्दार पकड़ा जा चुका है, कासिम जुर्म का इकरार कर चुका है, उसी ने मेरे यहां आने की खबर बादशाह तक पहुंचाई थी। यानी आपको मौत के मुंह तक पहुंचाने वाला वैसी उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, वही बदबख्त है जो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। वो आज से जमीन पर ली गई, अपनी हर हर सांस पर पछताएगा। अब तुम्हें यह करना है अमीर सादती, जब अर्तुल साहब वापस आ जाएंगे तो उनसे माफी मांगनी है तुम्हें। जबरदस्त सिद्धाई गोपेवार, जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, अर्दुल साहब तशरीफ ला चुके हैं, शुक्र है खुदा का। जिसके जुल्म से न सिर्फ हम बल्कि उसके अपने लोग भी परेशानी का शिकार थे, जिसने हमारी सल्तनत, मजहब और अख्तार के खिलाफ जंग की, वो वसीलियस आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच गया। एक बहादुर की जिंदगी सल्तनत और अपने कौम को तारीकी से निकाल कर खुशहाली का बाइस बनती है। अर्तुल साहब, आपकी हिम्मत और शुजात हमारी आने वाली नस्लों के लिए रोशन मुस्तकबिल का बाइस है। अल्लाह आपसे राजी हो। शहीदों के खून का हिसाब लिया है हमने सुल्तान मौसम, मेरे भाई और
बहुत से शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। किले में मौजूद दुश्मन का खात्मा कर दिया है हमने। अब उस किले पर अपना परचम लहराना है और ये मुकद्दस फरीजा भी सिर्फ आपका ही मुकद्दर होगा। अल्लाह मदद। फतह मुबारक हो सरदार अर्तुरुल। तुम जालिमों के खिलाफ फतह से हमकिनार हुए और मजलूमों के लिए एक मसीहा साबित हुए। अल्लाह ने मजलूमों और बेबसों के लिए रहनुमा मुंतखब किया है तुम्हें। अल्लाह इसी तरह फतूहात का दवाम बख्शे। सॉरी बोलो। माँ कुर्बान हो जाए तुम पर बेटे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस फितने को भी खत्म करने में कामयाब हुए तुम। शुक्रिया वालिदा। वादा पूरा कर दिया आपने। मेरे भाई का इंतकाम ले लिया। अल्लाह आपसे राजी हो। आपकी बहादुरी और सरबलंदी कायम रहे। अब तू भी बोल दे। ओहो, आपकी फतह मुबारक और लाजवाब हो अर्तुरुल साहब। सरदार अर्तुरुल की इस फतह से न सिर्फ सुल्तान मुअज्जम को नई जिंदगी नसीब हुई बल्कि ये बात भी साबित हुई कि अर्तुरुल साहब इंतहाई काबिल सरदार आला हैं। सुल्तान, मैंने चले खबर भिजवा दी है, वो यहां जमींदार की लाश लेने के लिए आएंगे। सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो वसीली उसकी लाश को यहां इबरत के तौर पर सबको दिखाना चाहता हूं मैं। शेर और गिदड़ में यही एक फर्क है कि शेर अपना शिकार छुपाता नहीं है, इजाजत है। मुबारक हो, अल्लाह ने आपको सेहतमंद औलाद से नवाजा है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आपकी गोद भी औलाद की नेमत से भर जाएगी। इंशाल्लाह बानू जी। हफ्सा खातून, दुआएं मुझे बहुत याद आ रहा है। अगर वो जिंदा होता तो अपनी औलाद को देखकर कितना खुश होता। बहुत खुश था। माना कि वो अपनी औलाद को नहीं देख पाए लेकिन उनका इंतकाम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हो गया। रब से दुआ है कि वो अर्तुरुल भाई और उनके सिपाहियों को खैर वाफियत से वापस लाए। आइए हलीमा सुल्तान, आइए। अल्लाह राजी हो आपसे। आपने मुझे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है बाबूजी। मैं आपकी मुखबरी के लिए खुशखबरी लेकर आई। क्या खुशखबरी है? अर्तुरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ बाहिफाजत सराय वापस आ चुके हैं।
बहुत शुक्र है। और वैसे भी उसको अर्तुरुल सरदार जहन्नुम वासिल कर चुके हैं, शोहदा का इंतकाम लिया जा चुका है, वैसे भी उसका इबरतनाक अंजाम हुआ है। सुल्तान, आखिरकार मेरे बाबा का और शहीदों का इंतकाम पूरा हो गया। सही बात है, इनके बाबा भी तो थे, ये भी ये नहीं था, याद नहीं था। तुम्हारी रूह को भी सुकून आ गया होगा तुम्हारे, इंतकाम पूरा हो गया तुम्हारा। इंशाल्लाह की तरह एक बहादुर जंगजू बनेगा। महल में मौजूद खदार ने बादशाह को यहाँ मेरी मौजूदगी की इत्तला दी थी, इतराफ कर लिया है उसने। वैसे भी उसने ही मौका गनीमत जान, मैं समझ सकता हूँ, मगर जो कुछ आप मेरे इल्म में लाए हैं उससे तो मुझे लगता है कि मामला गंभीर है बहुत। वैसे भी उसको जाल में फंसाने के बाद जिन तीरंदाजों ने हम पर हमला किया उन्हें किसने भेजा था अगर ये नहीं जान पाए तो आपकी जिंदगी को अभी भी खतरा है। आप वैसे भी उसके ताकुब में गए हैं, ये बात सराय में मौजूद लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता था। अर्तुल साहब, इस साजिश में जो मुलव्विस है वो इसी सराय में है सुल्तान मासूम, वो उन कबाइल में से नहीं है जिनका दौरा आपने किया। परेशानियों ने यहां आने के बाद सर उठाया है सुल्तान मासूम। अगर महल में मौजूद गद्दार गिरफ्तार ना होता और अपने जुर्म का इतराफ ना करता तो मेरा शक भी सादतीन पर था, लेकिन जब सादतीन यहाँ आया था वो लाइन था कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और वो महल में मौजूद गद्दार के साथ शामिल हो सकता है, इसका भी इहतमाल नहीं। लेकिन आपका कहना ठीक है, मोहताज रहने में ही आफियत है। चलो दोनों सही सोच रहे हैं। अजीज हुकुम करे सुल्तान मौसम, अमीर सादतीन को बुलाओ यहाँ। अभी सॉरी बोलेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने शर्फ मुलाकात पहुंचा। अमीर सादतीन की दरखास्त मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। बहुत हो चुका, मैं अभी सिर्फ सादतीन हूँ, वो शख्स जो तुम्हारे इश्क में पागल हो चुका है, जो आज उस और जिसने पूरी जिंदगी उसके साथ रहने का वादा किया था और उससे मुंह फेर लिया है। अब मैं वो बाप बंद कर चुकी हूँ अमीर सादतीन, और कितनी बार बताना पड़ेगा आपको, अपने बाबा की बात नहीं टाल सकती थी इसीलिए आपसे निकाह हद के बाद। आर्यान की शहादत का इंतकाम भी पूरा हो चुका है ना? इंतकाम लिया जा चुका, अब आखिर कब तक तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है चावतार कबीले की आखिरी सांस तक कायम मुकाम सरदार बनी रहोगी क्या? क्या वजह है जो तुम्हें कबीले में रोक रही है? आखिर क्या नवीर सादतीन, आप भी नहीं। सुल्तान मौसम ने आपको याद किया मेरे साथ। अभी तक खबर नहीं आई कोई, और
हम सिर्फ हाथ पे हाथ रख के इंतजार कर रहे हैं। लश्कर भेजा है हमने और हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हुए, कले की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कमांडर निकोलस। कमांडर सरतुरुल ने भेजा, लेकर आओ उसे। मुझे याद क्या सुनता हूं, आ जाओ सादत जी। निकोलस, या तो किले से दस्तबरदार हो जाएगा या फिर वो अपनी जान से जाएगा। मैंने अपने लश्कर को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया है। जब तक मेरा लश्कर यहां पहुंचता है मैं यहाँ इस सराय में ही खया। आपने बेहतरीन फैसला किया सुल्ताने मौसम, सराय में आपका रहना ज्यादा मुनासिब है। लेकिन जैसा कि आपने फरमाया था कि ऐसा मुमकिन है कि जिसने आपको मारने की कोशिश की थी वो अब भी सराय में मौजूद है। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें आप फिक्र ना करें सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अर्तुल साहब से कुछ बात करना चाहता हूं। अर्तुल साहब, उस अंदोहनाक वाकये के बाद मुझे फौरी तौर पर कुछ फैसले लेने पड़े। फैसले की नौयत आप बखूबी समझ सकते हैं। हालात ऐसे नहीं थे कि मैं किसी पर भरोसा करता। मुझ पर भरोसा ना भी हो मगर हजरत इब्नुल अरबी पर भरोसा नहीं होगा, आपको ये उम्मीद नहीं थी। मुझे आप और इब्नुल अरबी दोनों पे पूरा भरोसा है। सुल्ताने मुअज्जम की नजर में मैं आपकी अहमियत से बखूबी वाकिफ हूं और मोतरिफ हूं। मेरे अमीर की हैसियत से तुम्हारा वलीम फर्ज था कि उस सूरत हाल में सही फैसला कर दे, लेकिन तुमने मायूस किया। मैं जानता हूं सुल्ताने मौसम, लेकिन उन हालात ने मुझे अजीब कशमकश में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि ऐसे वाकये का अर्तुल साहब के सराय में पेश आना इंतहाई अचंभे वाली बात थी। हम हालत जंग में हैं अमीर सादत, और जंग के वक्त हर जंग ये मुझसे बेहतर जानते हैं आप। हमें हमेशा मोहतात रहकर हर तरह के फितनों का मुकाबला करना होगा, क्योंकि दुश्मन की चालों में सबसे अहम मंसूबा इत्तेहादियों को लड़वाना है आपस में। आप
दुश्मन का मंसूबा कामयाब हो जाता और तुम सादते उनकी साजिश का शिकार हो जाते और हमारी अजीम सल्तनत की तबाही का बाइस बन जाते। सुल्तान मौसम, यकीन रखें कि ये वाकया नस्र के लिए भी सबक आमोज साबित हुआ है मोहतरम। आज से हम किसी खलफशार का शिकार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तुम्हें मुताद होना पड़ेगा सादतीन, अपनी इस गलती से सीखना होगा वरना आइंदा तुम्हारी इस तरह की गलती भारी पड़ सकती है तुम्हें। मैं आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। सुन शक्ल मस्त हो गया। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहीम परवरदिगार है, हिकमत हथियार के मोहताज नहीं और सच्चा दोस्त कभी दरोग गोई नहीं करता, क्योंकि दरोग गोई सिर्फ गद्दारों का ही शेवा होता है और जो सच्चाई का रास्ता अपनाता है वही असल बहादुर होता है। ये जिनका आना है यूं ही कायम रहे। आमीन आमीन। बहादुर सरदारान जो आने वाले खतरों से वाकिफ हैं बहुत जल्द मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में जान जाएंगे। आज के इस जिरगे में मेरी कही गई बातों से सब वाजे हो जाएगा कि जिम्मेदार अर्जुन साहब है और मेरी जानिब से मुकर्रर किए गए सरदार आला है। ये सरजमीन बरकत का बाइस हो। आमीन आमीन। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह मुबारक करे। सुल्तान का फैसला दुरुस्त है। मौजूदा सूरत हाल ये बात वाजे है कि कुफार के खिलाफ हमारी जंग सिर्फ मैदान तक ही महदूद नहीं रहेगी बल्कि अब दीवारें ढाने हम फितों की हमाजगत का राजार का मुहासरा करेंगे और उसे कुफार से पाक कर देंगे। हम
खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ है सुल्तान मौसम। हम हाजिर है सुल्तान मौसम। ये मुकद्दस जिम्मेदारी भी अर्दुल साहब के कांधों पर है। अर्दुल साहब ने अपनी बहादुरी से हर मुश्किल सूरत हाल का डटकर मुकाबला किया है। सुल्तान मौसम का कह मैं उस नागवार वाकई के यूं अचानक रूनुमा होने में गुस्से में था, जिसकी वजह से मैं सरदार अर्दुल और तुर्क सरदारान के लिए परेशानी का बाइस बना। मैं माजरत चाहता हूं आपसे। ऐसा दोबारा नहीं होगा। हम बेबुनियाद इल्जामात की जद में आकर अपनी सल्तनत के वकार को दागदार नहीं करेंगे। ना सिर्फ अमीर बल्कि सुल्तान के मामले में भी इंसाफ नहीं दी जाएगी। मुझे सुल्तान मुअज्जम ने जिस जिम्मेदारी के लायक समझा है उसके लिए मैं बहुत ममनून हूं इनका। हम काफी अरसे से कारा जैसार के किले की निगरानी कर रहे हैं, उसकी ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ है। अब हुक्म और उनके लश्कर की बदौलत फतह के लिए साफ और खुला रास्ता है। तो अब ये हमारा फर्ज है कि हम उस किले पर अपने अजीम परचम को लहराएं। इंशाल्लाह फतह हासिल करने के बाद इस किले और सरजमीन की जिम्मेदारी अर्दुल साहब के सुपुर्द होगी। अब मजा आ रहा है भी। तो क्या इंटेंस हो रहा है। तो ऊपर से अमीर की शक्ल, सादिन कोपे की शक्ल देखने को इतना सुकून मिल रहा है ना कि क्या बोले। बट उसने भी है ना वो अभी बोलते ना लाइक आशिकों के जैसे स्टेप उठा रहे हैं। लेकिन अभी मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा खूंखार, थोड़ा ज्यादा डेंजरस हो जाएगा अभी वो। और उधर वो भी सोच रही है ना एक तरीना। बट अभी सामसा ने देख लिया, सामसा से मजा आ गया, इंप्रेस विद सामसा, उससे शुरू कर ले आ जा। जबरदस्त। और क्या बजाया है सुल्तान ने आमिर सादती को, गंदा बजाया है एकदम। वो तो ना एकदम नेस्त नाबूद कर दिया उसको, और वो ईगो तोड़ दिया उसके। जरूरत है एक्चुअली हर जगह बोलते ना अभी सर झुकने वाले काम हो रहे उसके। और स्पेशली यू नो अभी दुआन का भी बच्चा आ गया तो वो भी चीज अच्छी लगी कि चलो खुशी 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 खुशी। मतलब अभी तक तो इन लोगों किसी को पता नहीं, अभी वो खुश हो जाएगा कितना ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।